क्या रे, तू इतना मुंह लटका के काय को खड़े लाए? अरे अन्ना, वो गुंडी पुष्पा है ना, अपने को जंगल में है ना लकड़ी काटने नहीं दे रही। और तो और अपने सारे आदमी गुंडी पुष्पा के साथ काम कर रहे। तो तू यहाँ काय को खड़े लाए? अपने आदमी लेके जा और उसको उठा के ला, फिर अपन उसको बताएगा। अन्ना से पंगा लेने का मतलब है मौत। कौन है रे ये? अपन गुंडी पुष्पा। अन्ना, ये गुंडी पुष्पा है, ये तो खुद यहाँ पे चल के आ गई। ए अन्ना, अपन को बहुत जोर जोर से याद कर रहा था ना तू, देख अपन खुद ही चाह रही रे। चल बैठ। अपन पुष्पा रानी खड़े खड़े थक जाएगी पर बैठेगी नहीं साला। ए अन्ना, अब तू खड़े हो जा, लेवल में आके बात कर। ए गुंडी पुष्पा, तू यहाँ आई तो अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से जाएगी ना ये अन्ना की मर्जी से, समझे? ए अन्ना, ये गुंडी पुष्पा आती भी है अपनी मर्जी से और जाती भी है अपनी मर्जी से। आज के बाद तेरा एक भी आदमी लाल चंदन के जंगल में नहीं आएगा, समझ लगा? ए पुष्पा नाम सुन के फुलझड़ी समझा क्या? अपुन 440 का झटका है, समझ लगा? ए गुंडी, गुंडी, ए गुंडी, तू कहाँ है? तेरा पहलवान यहाँ है। ऐसा तू आए, पहलवान आ रहा। गुंडी, तू यहाँ बैठी, मैं तेको किधर किधर ढूंढ रहा था। मैं क्या बोल रहा, मैं ना काम पे से आया, मेरी तरफ देखती क्या, घूंघट डाल के क्या बैठी? मैं पहलवान से सर मारी, चल ठीक है मैं घूंघट हटा देता तेरा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे घूंघट ओढ़ के? अरे वो गुंडी दीदी ने भिजाई थी मेरे को। oh, no. काम के वास्ते। काम के वास्ते तेको बुलाई, तू क्या काम का है? निकल निकल यहाँ से। अरे मेरे बाप रे, इतने दिन दहाड़े डरा के चले गया, हाथ ऊपर की ऊपर रह जा रही थी गुंडी। अरे डैडी, आप मुझे ही समझाते हो, आपका वो दामाद नहीं क्या पहलवान, उसको भी समझाते जाओ ना, जब देखो तब मुझे डांटते हो। आज चलेगी ये गुंडी। ए गुंडी, गुंडी, ए गुंडी, अरे मेरे बाप, छुरी। कह रहे क्यों चिल्लम चिल्लाई कर रहा है, ज्यादा शाना मत बन, ये तो काटी डालूंगी। अरे गुंडी डार्लिंग, मैंने तेरे से शादी करा, तेरा मरा देना हूँ मैं। अच्छा, मैंने सुना है मर को दर्द नहीं होता, आज चेक करके देखती हूँ। ए गुंडी, अरे अरे छुरी हटा, जरा दो ना मेरे को। अब समझा, मर्द को भी दर्द होता है। दर्द होता, मैं भी हड्डी और चमड़े का इंसान है ना, लोखंड का दिख रहा है तेको। अच्छा अच्छा, मैं क्या बोल रहा, तेरा पहलवान काम पे से आया, खाना खिलाती क्या मेरे को? अच्छा, पहलवान तो मुझे सोने की चेन देने वाला था, क्या हो चेन? अरे गुंडी डार्लिंग, अभी मैं संडे को मार्केट जाऊंगा ना, तो तेरे वास्ते गोल्ड लेके आऊंगा, अभी तुम मेरे को खाना दे देना। जब तक सोने की चेन नहीं दे रहा था ना तू, तब तक खाना नहीं मिलेगा। ए गुंडी, तेको समझा दे रहा मैं, तुम मेरे को इज्जत से खाना दे दे, मैं तो तेरे भाव को फोन लगा रहा अभी मैं। ए पहलवान, गुंडी है मैं, गुंडी, किसी से नहीं डरती, किसी को भी फोन लगा, चल। ऐसा ठीक है, अब भी फोन लगाता ना मैं। हेलो, oh,
गुंडी पुष्पा, बड़े आराम से बैठी है, क्या बात है? अब तेको कैसा लग रहा? ये पहलवान इंस्पेक्टर ने तेरे दो ट्रक माल पकड़ लिया तो? ए इंस्पेक्टर, तुझे क्या लग रहा मेरा दो ट्रक माल तूने पकड़ा? हाँ पकड़ा तो लगेगा ही ना। नहीं, वो दो ट्रक माल तूने नहीं पकड़ा है, मैंने पकड़वाया है। हाँ तूने पकड़ाया? हाँ सही सुना तूने, तू दो ट्रक के चक्कर में तेरी पूरी फौज को लेके जंगल के वो कोने में घूम रहा था, और अपुन ने जंगल के इस कोने से 20 ट्रक माल पास करवा दिया। ये गुंडी पुष्पा का स्टाइल है क्या? अरे मेरे बाप रे, 20 ट्रक माल? देख ले गुंडी पुष्पा, अब की बार तो तू बच गई, लेकिन अगली बार ये पहलवान इंस्पेक्टर तुझे छोड़ेगा नहीं। ए इंस्पेक्टर, छोड़ने के लिए पहले पकड़ना पड़ता है। जिस दिन तू ये गुंडी पुष्पा को पकड़ लेगा ना, वो दिन तेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो दिन आखिरी किसका होगा ये तो वक्त ही बताएगा, अभी तो मैं जा रहा। ए इंस्पेक्टर एक बात बता, तू आधी अधूरी वर्दी में क्यों घूमता है? पहन क्यों नहीं पहनता? ए पुष्पा, ये अंदर की तकलीफ है, मैं तेको नहीं बता सकता। हाँ बोल रहा बाबा पहलवान, तूने मुझे इतना अर्जेंट में काय के लिए बुलाया? तुम्हारी बेटी ने फिर झगड़ा करी मेरे से। ये देवा रे देवा, ये गुंडी तूने फिर से झगड़ा करा रे बाबा। अरे तो तुमने उसका नाम गुंडी रखे ना, झगड़े नहीं करेंगी तो क्या करेंगी फिर वो? देखो ना डैडी, कैसे आदमी से शादी कर दी आपने, इसे मैंने सोने की चेन मांगी, उसने वो भी मुझे दी नहीं। लुक्का कहीं का, और कपड़े तो देखो उसके, एक लूंगी बनियान और रुमाल, बस हो गया। ए गुंडी, ये तो पहलवान का स्टाइल है, अगर पहलवान चाहे ना तो 1500 ड्रेस अब भी खरीद सकता। देखो डैडी देखो, उनके लिए 500,000 ड्रेस खरीद सकता, और मेरे लिए एक सोनी की चेन भी खरीद सकता। अरे बस करो रे बाबा, ये तुम दोनों झगड़ा बंद करो। और ए पहलवान, एक काम कर रे बाबा, मेरी पोरी को एक मस्त वाली गोल्ड की चेन ला के दे दे रे बाबा। ठीक है ला के दे दूंगा, लेकिन इसको समझा दो ये मेरे साथ लाइन से रहेंगी और झगड़े नहीं करेंगी। ए गुंडी, तेरे को बोल रहा रे बाबा, तू भी जरा लाइन से रहना रे पहलवान के साथ। अरे तुम दोनों जरा मिल के रहा करो रे बाबा, मेरे को बहुत काम है रे बाबा। चल मेरे को बार बार बुलाने का नहीं, ऐसा समझे ना, मेरे को बहुत काम है, चल मैं जाता रे बाबा, अभी शिकायत नहीं मांगता मेरे को। चलो मिल के रहेंगे ना, जाओ ना मैं। चलो हल कट लो, इतना फोन काम पड़ा मेरे को, फोन पे इधर उधर जाना पड़ता ना रे बाबा। अबे दिन में डराने निकला तू मेरे को, इन्हें सुपारी दिया करे तेको मेरे को डराने की, मुंह बंद कर। अरे पहलवान जल्दी चलो, गजब हो गया। अरे पहलवान गुंडी दीदी है ना, उसको भूत भी लग गया। गुंडी को भूत भी लग गया? अबे चुड़ैल को कहीं भूत भी लगता क्या रे? अरे सही में भी लग गया पहलवान, कहीं दीप जले कहीं दिल। अरे जरा देख ले चल के पहलवान, ऐसा चल तो तू मेरे साथ। ओ गुंडी वीडियो का चलते आ रही। अरे बाप रे, तुम्हारे लो देखा था यार, मैंने बोला था ना। ए गुंडी, ये क्या नौटंकी लगा के रखी हो? अरे गुंडी दीदी, तुम्हारा आदमी है पहलवान। पहलवान मेरा आदमी है।
ये पहलवान है या हड्डी का दुकान है? अरे मेरे बाप रे, अभी इसको बाहर का हुआ तो पहलवान की बस्तरी कर रही। ये मेरा आदमी नहीं हो सकता, मेरा आदमी तो कप्ता मर गया। देखा पहलवान, तुमको जीते ही मार डर रही है। अच्छा ठीक है, मैं तेरा आदमी नहीं ना, तेरा आदमी कौन है फिर? मेरे आदमी का नाम था यशवंत कात्रे। अच्छा हो गया वो मर गया, बहुत मारता था मुझे। अच्छा तू कौन है ये बता दो, तेरा नाम क्या है? मैं डांसर सोनी। कांटा लगा है, लगा है, लगा। पुष्पा बहन एक बात बताओ, ये 20 ट्रक माल का हम अब क्या करेंगे, किसको बेचेंगे? ये साला अन्ना किसको माल बेचता है? वो तो भड़गांव पाचोरे वाले सेठ को बेचता है। अभी तो फिर आपको भी उसको ही बेचेंगे। वो सेठ अपना माल लेगा क्या? क्यों नहीं लेगा, उसका बाप भी लेगा साला। चल उससे मीटिंग करते। हाँ बोलो, किससे मिलना है? ए, तेरे सेठ को मिलना है। बोल तेरे सेठ को गुंडी पुष्पा आई है। अभी सेठ मीटिंग में है, और वैसे सेठ किससे मिलता नहीं है। ए, ज्यादा बोली बचन मत दे, तेरे सेठ को बोल इंडिकेट गुंडी पुष्पा आई है। ए, जास्ता डोको नको खाऊ, फोन लगा। ठीक है चलो, सेठ ने बुलाया। ओह नो, चल भाई लेट्स जाने कर। अच्छा भाई, अरे अच्छा भाई, ला फोन आ रहा बाबा, फोन आ रहा बाबा। पहलवान है रे बाबा। हेलो डैडी, मैं पहलवान बोल रहा, तुम्हारा जवाई। अरे बोल रहा बाबा पहलवान, कुशल मंगल है ना बाबा? काय का कुशल और काय का मंगल, वो तुम्हारी बेटी को भूत भी लग गया, वो किसको पहचान ही नहीं रही, सबको मार रही। मेरे को भी इतना बुरा बुरा मारी उन्हें। तेरे को मारी। मस्त मजा आया रे बाबा, पहलवान ने मार खाया वो भी गुंडी की। तुम हंस रहे, ज्यादा मजा मत लो, ये प्रॉब्लम का हल निकालो जरा। अरे बाबा तू टेंशन मत ले रे बाबा, मैं अभी तांत्रिक को बुला के लाता, वो तेरी गुंडी का ना भूत उतार देंगे। जल्दी से आओ डैडी, आए मेरे को मार डालेंगे ना तो। चल रख फोन, मैं जल्दी से लेके आता। अच्छा मोहल्ला पहलवान को मार रे बाबा। ए चील, ए कबूतर, ए बटेर, ए चिटुन्नर, चला जा चंडाल चुड़ैल, चला जा, खत्म कर दे खेल। बोला 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 शैतान का साला, बुला अपनी बच्ची को, ये बाबा रेडी है। ये पहलवान, अरे ला रे बाबा मेरी गुंडी को, ला तेरे बाबा। अरे बढ़िया, ये तेरा इलाज करेंगे। Oh no! दगाला लागली गड़, पानी देन तेम गड़। ए बाबा, कशाला आला इकड़? अच्छा तो तू बाबा की मस्करी उड़ा रही, तेको अभी बताता मैं। अपुलम चपलम चपल आई रे, तू मुझे ये बता इधर क्यों आई रे, आई रे, आई रे। ए बाबा,
तेरा मेरा कुछ नहीं है, यहाँ मैं कुछ लेने आई हूँ और लेके ही जाऊंगी। तू मुझे पहले ये बता, ये मासूम को छोड़ने का क्या लेंगी तू? मैं 5 तोला सोना लूंगी। 5 तोला सोना होना तुझे? पहलवान, इसको 5 तोला सोना होना। ठीक है बाबा, मैंने तो पहले से ला के रखा था सोना मेरी बीवी के हाथे, और ये चुड़ैल को दे दूंगा। ये लो 5 तोला सोना। ये ले चंडाल चुड़ैल, तेरा 5 तोला सोना, और ये मासूम को छोड़ दे, मैं तो भस्म कर दूंगा। थैंक यू पहलवान, तूने मेरी डिमांड पूरी कर दी। थैंक यू, काहे की डिमांड पूरी करा? मेरे इसमें कुछ भूत भीत नहीं है, ये 5 तोले सोने के लिए मैंने ये नाटक किया। क्या? मैं गुंडी पुष्पा। बहुत नाम सुना है तेरा, बोल क्या काम है तेरे को मेरे से? अपुन तेरे को माल देना चाहती है, लेकिन अपुन तेरा मन अन्ना से माल लेता है। अब अपुन से ले। लेकिन अपुन नए लोगों से माल नहीं लेता है। अरे सेठ, भले ही माल मत ले, पर एक बार सैंपल तो देख ले। बता। वाह पुष्पा, ये लाल चंदन तो एक नंबर माल है। सही पहचाना सेठ तूने। एक बात बता, जंगल से ये माल यहाँ तक लाएगी कैसे? पुष्पा, तेरे को मालूम नहीं है रास्ते में कितने चेक पोस्ट पड़ते हैं? ए सेठ, चेक पोस्ट का तू टेंशन मत ले, सारे चेक पोस्ट क्रॉस करके यहाँ तक माल पहुँच चुका है साला। क्या? हाँ। हाय दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये गुंडी पुष्पा वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, और अच्छा अच्छी कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल गुंडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए।